तब वेद व्यास जी महाराज ने द्वापर युग की कथा है, ध्यान देना, क्योंकि वेद व्यास जी कौन से युग में पैदा हुए? द्वापर। हाँ, और वेद व्यास जी कौन सा अवतार है? ये भगवान विष्णु का अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। आपको व्यास जी का परिचय मालूम नहीं है, बता देता हूं, ये वशिष्ठ ऋषि के परपौत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ जी हुए हैं, जिनकी त्रेता युग में भी आपने कथा राजा दशरथ के यहां सुनी है। उन्हीं वशिष्ठ जी का पुत्र बचा था, 100 पुत्रों में 99 तो किसने मार दिया था? नहीं सुनाई भागवत? राम राम राम। विश्वरथ नाम के राजा जो बाद में विश्वामित्र बने थे, गऊ को ले जाने के चक्कर में युद्ध हुआ था, याद आ गया होगा। एक शक्ति नाम का बेटा वशिष्ठ जी का पैदा बच गया। उन्हीं शक्ति के एक बेटा हुआ जिसका नाम ऋषि पराशर हुआ। है क्या नाम हुआ? उन्हीं के यहां ऋषि पराशर ब्रह्मचर्य थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, मगर भगवान शिव की माया से कौन प्रेरित नहीं हो सकता है। जब विष्णु भगवान ने देखा कि मुझे वेद व्यास के रूप में अवतार लेना है, तो ऋषि पराशर की बुद्धि को पलट दिया। एक मछियारी की बेटी जो शरीर से बिल्कुल काली थी और वो मछली से पैदा हुई थी, मछियारे को मछली मिली, पेट काटा तो एक बेटी मिल गई, उसी को मछियारे ने पाला, पोसा, बड़ी हुई, नाव चलाना सिखा दिया। उस मछियारी की बेटी का नाम था मत्स्यगंधा। क्या नाम था? मत्स्यगंधा। क्यों, पिछली वालियों को चाय की आवश्यकता है क्या? सुस्ती आ रही क्या? हमारी कथा में तो कभी शिकायत नहीं है कि हमें चाय चाहिए। हर आदमी ये कहता चाय नहीं चाह चाहिए। चाह मानी और सुनाओ, और सुनाओ, थकान तो नहीं हो रही? मैं बता देना, यजमान बहुत मोटी आसामी है, आज देख लिया हमने आते ही। हाँ, हम भी इसलिए पीछे पड़े हैं इनके। धनिना, तो मछली के पेट से पैदा होने के कारण मछियारे ने उनका नाम मत्स्यगंधा रखा। गुस्से तो नहीं, क्या बात, ऑलवेज स्माइल, यही डॉक्टरी का इलाज है। धनिना, मछली से पैदा हुई इसलिए उस बेटी का नाम मछियारे ने क्या रखा? मत्स्यगंधा। मत्स्य हिंदी का शब्द है और मत्स्य का हिंदी का अर्थ है मछली। मछली से पैदा होने के कारण उसका क्या नाम रखा? मत्स्य। वो मत्स्यगंधा जो काले रंग की थी और बदबू किसकी आ रही थी? मछली जैसी। ऋषि पराशर अकेले उस नौका में बैठ गए और भगवान को अवतार लेना था इसलिए बुद्धि खराब कर दी। ऋषि पराशर को उस मत्स्यगंधा पर मन आ गया कि इससे मैं शादी करूंगा। जैसे ही नाव चलाया, ऋषि ने कहा देवी आज तक इंद्र की अप्सराओं को देखकर भी मेरा मन डिगा नहीं, पर मैं अजाने क्या हो गया। जैसे राम जी कौन सी वाटिका में गए थे कि राम जी का मन डिग गया था? नहीं पता, जो राम कथा नहीं सुनी का कभी, कौन सी वाटिका में? अरे रामायण में दो ही तो वाटिका है, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। और देखो पुष्प वाटिका में राम जी को सीता जी, सीता जी को राम मिलते हैं, और अशोक वाटिका में दोनों का बिछो हो जाता है। कभी राम कथा का मौका ब्रह्मदेव जी देना मुझे, चाहे सपने में ही दे देना। हाँ,
राम कथा भी तुम्हें ऐसी सुनाऊंगा जो कहोगी कि आज तक राम कथा नहीं सुनी। दो ही वाटिका है, एक अशोक वाटिका एक पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में राम जी के दर्शन होते हैं, सीता का मिलन होता है, और अशोक वाटिका में दोनों का बिछोह होता है, क्योंकि पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है और अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। ताली नहीं बजाओ। योगी की वाटिका में राम सीता का मिलन होता है, परमात्मा और भक्ति का प्राप्ति होती है, और भोगी की वाटिका में सब छूट जाता है। सुनाऊंगा नंदिना, जब राम जी ने सीता को देखा ना, तो लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम आज तक किसी नारी की तरफ देखे नहीं, पर इस देवी की तरफ लगातार ही देख रहे हैं, और किसी पर नारी वो भी बिना शादीशुदा किसी लड़की पे कोई लड़का देर तक देखता रहे तो अच्छा होगा क्या है? लेकिन लक्ष्मण जी ने देखा कि जिस लड़की की ओर राम जी देख रहे हैं वो लड़की भी राम जी की तरफ लगातार देख रही है। लगता है कुछ मामला गड़बड़ है। अचानक लखनलाल जी ने कोहनी मारी, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? राम जी एकदम चौके और बहाना बना दिया, तात जनक तनिया यह सोई, तात जनक तनिया यह सोई, कारण जासु धनुष यज्ञ होई। भगवान ने पलट दिया, बोले लक्ष्मण ये वो जनक जी की बेटी है जिसकी वजह से ये धनुष यज्ञ हो रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले तुम्हें क्यों मतलब इतनी दूर से? बोले जो सब कारण फार कही। राम जी बोले आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ, इसको देखकर मुझे भी होने लगा है। पूछा लक्ष्मण ने क्या होने लगा? बोले कुछ कुछ होने लगा। तो बोले आपको कुछ कुछ? बोले पता नहीं। बोले सो सब कारण जान विधाता, 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 फर कही सुभग अंग सुन भ्राता, फर कही सुभग अंग सुन भ्राता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कभी कभी लोग शिकायत करते, महाराज जी शिव पुराण की कथा करते हो, उदाहरण राम कथा का क्यों देते हो? तो मैं कहता हूं राम कथा शिव कथा के बिना अधूरी है, और शिव कथा राम कथा के बिना, राम शिव के बिना अधूरे और शिव राम के बिना। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, मुझे शिव के समान कोई नहीं। इसलिए मेरी आदत है, अगर आपको राम कथा के उदाहरण अच्छे ना लगे तो मैं भागवत के दे दूं, गीता के दे दूं, राम कथा अच्छी लगती ना। हरि हरि महादेव, हरि हरि। तो पराशर ऋषि का मन उस मत्स्यगंधा को देखकर, जबकि काली कलूटी बदबू आ रही है, लेकिन विधाता की कब प्रभु किसको पूछा ना, भगवान शिव जी से पूछा पार्वती ने कि संसार में सबसे बड़ा विद्वान कौन है और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ऐसा रामायण में राम कथा में पार्वती जी ने किसको पूछा? शंकर। तो शिव जी ने जो जवाब दिया वो बताऊं कि रहने दूं, कि त्रिलोकी में दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन है और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये सुनते ही शंकर भगवान हंसने लगे,
हंसी आ गई। पार्वती बोले महाराज हंस क्यों रहे? बोले हंसने की बात है। बोले भी हंस महेश तम रामचरितमानस का दोहा उत्तर दे रहे शिव जी, कौन है ज्ञानी कौन है मूर्ख। बोले भी हंस महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जेही जस रघुपति करही सोही, तेही सोई सही फले हो। भगवान हंसते बोले भी हंस महेश तब, महेश हंसकर बोले, बोले ना दुनिया में कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, ईश्वर जिस समय जिसको जैसा बनाना चाहते हैं इंसान वैसा ही बन जाता है। हो इसलिए ध्यान देना, इसमें ऋषि का दोष नहीं है। धनरा ऋषि पराशर मत्स्यगंधा को देख के मोहित हो गए, बोले देवी मैं एक दिन के लिए तेरे साथ शादी करना चाहता हूं। बोले क्यों? वो देवी घबरा गई, बोले आप इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े तपस्वी, मैं कहां नीच जाति की, काला कलूटा रंग है बदबू आ रही है, है? ए महाराज आप वशिष्ठ के कुल हुए हैं, ज्ञानी हो विद्वान हो। ऋषि बोले मुझे मालूम नहीं आज मेरी बुद्धि को क्या हो रहा है, अगर तूने आज मुझे एक दिन के लिए विवाह नहीं किया मैं तेरे गर्भ से अपने अंश से संतान देना चाहती हूं, चाहता हूं। मत्स्यगंधा ने कहा महाराज एक दिन का विवाह करके मेरा तो शरीर कलंकित हो जाएगा। बोले नहीं होगा, मेरे द्वारा जो कुछ होगा तेरे शरीर को कलंक नहीं बल्कि इतिहास में तेरा नाम उजागर होगा, और तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। ये बात किसने कही? कथा सुन रहे हो ना? वेदव्यास कौन है जिन्होंने पुराण लिखी है, जिनकी कथा सुनोगे शिव पुराण, उनका परिचय करा रहा हूं। नंदिना सुनकर के कन्या शांत हो गई। ठीक है महाराज आप मुझे श्राप मत दीजिए, पर मैं विवाह से पहले तीन शर्त चाहती हूं। आप जैसे तपस्वी को ये काला कलूटा रंग वाला बदबूदार शरीर नहीं, इसलिए मेरे शरीर को सुंदर से सुंदर बना दीजिए, और इस मछली की बदबू की चरे चमेली के फूलों की खुशबू आने लगे, और तीसरा वरदान दीजिए कि आपके अंश से मेरे गर्भ से जो संतान हो वो मेरा नाम रोशन करने वाली हो, और भविष्य का जीवन मेरा बहुत पवित्र होना चाहिए। ऋषि ने तुरंत सुंदर शरीर योग के द्वारा बना दिया, शरीर गौर वर्ण बन गया, चमेली की फूलों से खुशबू आ रही थी, सुंदर शरीर हुआ। ऋषि ने एक दिन के लिए विवाह किया, सूर्य को छिपा दिया, उन्हीं पराशर मुनि के अंश से इसी मत्स्यगंधा जिसका सुंदर शरीर होने पर चमेली के फूलों की खुशबू आने पर इसी मत्स्यगंधा का नाम ऋषि ने सत्यवती रखा। क्या रखा? सत्यवती। सत्यवती। वो ऋषि तो चले गए। 9 महीने के बाद उसी जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जो तुरंत पैदा होते ही 5 साल का बन गया, और कहा मां मेरा नाम करिए, क्योंकि द्वीप में पैदा हुआ था इसलिए उस बेटे का नाम द्वैपायन रखा। इसी द्वैपायन ने जाकर बनारस में काशी में शिव की तपस्या करी। भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्हें ब्रह्मा के पास जो एक वेद था वो दे दिया, बोले गणेश जी के द्वारा लिखाइए तुम अध्ययन करिए। और जैसे ही एक वेद शंकर जी ने वाराणसी में दिया काशी में दिया द्वैपायन को, और इन्होंने एक वेद के 4 वेद बना दिए, उसी दिन से इन द्वैपायन बालक का नाम दूसरा वेद व्यास बन गया।
जय हो। वेद जिन्होंने लिखे और व्यास का मतलब क्या ये भी समझ लिया, आज तक तुम्हें पता नहीं होगा व्यास का मतलब होता। अगर तुमने मैथ पढ़ा हो तो फॉर्मूला बताता हूं व्यास का अर्थ क्या होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इजुकल टू व्यास, यानी जो जरा सी बात को लेकर के पूरा खोलता खोलता वहां तक पहुंचा दे, कितना ज्ञान उसके पास है वही व्यास कहलाता है। इस तरह वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। ऋषि पराशर जी को ही अपना पिता को गुरु बनाया, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया और वो सत्यवती अपने पिता के घर चली गई। आगे द्वापर युग में महाभारत में सुना होगा राजा शांतनु को उस सत्यवती को देखकर मोहित हो गए थे और राजा शांतनु को भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हारे गर्भ से राजा के अंश से होने वाली संतान ही राजा बनेगी। राजा शांतनु की महारानी वो बनी जो आज पूरे इतिहास में नाम रोशन है।